आईना हूं तेरा, क्यों इतने कतरा रहे हो, सच्ची कहूंगा क्यों इतने घबरा रहे हो। घर का आईना भी अब हक जता रहा है, खुद तो वैसा ही है पर मेरी उम्र बता रहा है। नमस्कार दर्शकों, जय शिव शंकर, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ प्लैनेट्स में। मेरे प्रिय दर्शकों, दोस्तों और शुभचिंतकों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ घर में लगे आईना यानी कि मिरर के बारे में वास्तु टिप्स। इसीलिए आज का जो मेरा कोटेशन था वो आईने के ऊपर ही था। देखिए, वास्तु के अनुसार सही जगह पर लगा आईना आपकी तरक्की का कारण बनता है, तो वहीं गलत जगह पर लगा हुआ आईना आपके पतन का कारण भी बन सकता है। गलत दिशा पर लगा आईना नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, ऐसे में आईना लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आईना हम सभी के घर का एक मुख्य सामान है, बिना इसके पारिवारिक जीवन चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि यह सिर्फ चेहरा संवारने या खुद को देखने का नजरिया नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें आपकी किस्मत और स्वास्थ्य का संबंध भी बताया गया है। आईना आपके घर में कैसे और किस स्थान पर टंगा है, इससे आपका भाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही तय होता है। दर्पण या फिर आईना हमारे व्यक्तित्व की झलक दिखलाता है, इसीलिए आईने को घर के उत्तरी दिशा में या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना गया, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे और लाभ और धन की वृद्धि बनी रहे। वास्तुशास्त्र के मुताबिक आईना कभी भी गोल आकार का नहीं होना चाहिए, इसीलिए जब भी आप मार्केट में मिरर खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि फैशन की डिजाइन की गोल आकार के वाले मिरर ना लें। शुभ आईना आयताकार या वर्गाकार का बना जाता है, इस प्रकार का आईना अपने घर में लगाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी बेडरूम में आईना नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में आईना लगाने से आपसी विश्वास घटने लगता है और दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने लगता है। इसके कारण पति पत्नी के अच्छे भले संबंधों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश भी हो सकता है। आइए इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है प्रमोद जी, 2 साल पहले उनका अपने पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा ही लड़े झगड़ा होता रहता था और बात तलाक तक पहुँच गई थी, लेकिन प्रमोद जी अपनी पत्नी से तलाक लेना नहीं चाहते थे। वे अक्सर मेरे पास अपनी कुंडली दिखाने के लिए आते थे। उन्होंने मुझसे इसका सॉल्यूशन मांगा। मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो पता चला उनकी कुंडली में तो तलाक के योग घटित हो ही नहीं रहे, फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई। फिर मैंने उनके घर पर जाकर उनका वास्तु विजिट देखना चाहा और फिर उनके बेडरूम में पहुँचा तो पता चला उनके ठीक बेड के सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था जो उनकी लड़ाई झगड़े की जड़ था। मैंने उनका मिरर बेडरूम से बाहर निकलवा दिया और कुछ ज्योतिषी उपाय बताए और 2 महीने बाद ही बात वापस से बन गई। जो बात डाइवोर्स तक बनी हुई थी, आज वही मैरिड कपल अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर बेड के सामने अगर मिरर आ जाए तो स्थिति यहाँ तक पहुँच सकती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अंदर मिरर का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि बेडरूम में लगाना मिरर मजबूरी हो जाए तो इसे इस तरह से बेड लगाएं कि बेड में सोते समय आपका प्रतिबिंब नजर ना आए या फिर सुबह उठते ही आईने में आपकी छवि ना दिखाई दे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो मिरर है रात को सोते समय इसके ऊपर आप पर्दा टांग दीजिए, जिससे आप सुबह उठेंगे तो उसके अंदर आपकी एनर्जी नहीं दिखेगी यानी कि आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो भी आपका इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। वास्तु के हिसाब से कहा जाता है, दर्पण जितना हल्का और बड़ा होता है उतना ही फायदेमंद होता है, इसीलिए मिरर को चूज करते समय इसका वेट का भी आप ध्यान रखें। जो घर का हमारा जो मेन गेट होता है इसके सामने मिरर दर्पण लगाने की भूल ना करें, इससे हानि होती है, क्योंकि मिरर का काम होता है रिफ्लेक्ट करना और जब मेन गेट के सामने लगा होगा तो वो बाहर की किरणों को रिफ्लेक्ट करके वापस बाहर भेज देगा, इससे जो घर का सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी घर में टूटा हुआ मिरर ना रखें, इसे तुरंत बाहर फेंक दें, इससे भी घर में हानि होती है। आपके घर और व्यवसाय में वायु कोण यानी उत्तर पश्चिम का किनारा अगर कटा हुआ है तो इस कटे हुए भाग की पूर्ति आप उत्तरी दीवार पर 3-4 फुट का बड़ा सा मिरर लगा के भी कर सकते हैं, इससे दोस्ती मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी कारण से आपके घर या बिजनेस के अंदर ईशान कोण को नैत्य कोण से ऊंचा है तो ईशान कोण की फर्श की तरफ 1 फुट चौड़ा दर्पण लगा दें, इससे भी आपका ईशान कोण नीचे हो जाएगा और जो नैत्य कोण होता है वो भारी हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा और वास्तु दोष समाप्त हो सकता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगे दर्पणों से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा कितनी अच्छी और कितनी खराब हो सकती है, ये इस बात पर ही निर्भर करता है कि दर्पण किस स्थान पर लगा हुआ है। दर्पण को खिड़की या दरवाजे की ओर देखता हुआ ना लगाएं। कमरे की दीवारों पर आमने सामने की तरफ भी दर्पण ना लगाएं। कई बार हम डेकोरेशन के चक्कर में आमने सामने दर्पण लगा देते हैं, जिससे दोनों दर्पणों से निकलने वाली जो रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे से टकराता है, जिससे आपके या आपके घर के सदस्यों के बीच बेचैनी या उलझन बढ़ सकती है। यदि घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक पोल या ऊंची इमारतें हैं या नुकीले आभार हैं और जिसका आप घर के ऊपर प्रेशर दबाव महसूस कर रहे हो, तो आप अपने घर के बाहर उनके सामने की तरफ मिरर दर्पण रखकर भी इस वास्तु दोष को नष्ट कर सकते हैं। मकान के ईशान कोण में उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित वाष्पेशन के ऊपर भी आप दर्पण लगाएं तो यह अति शुभ माना गया है। बिजनेसमैन की बात करें तो आपने व्यवसाय स्थल पर व्यापारी जो भी होते हैं दुकान का जो कैश बॉक्स होता है, उस कैश बॉक्स के अंतर्गत भी आप शीशों का इस्तेमाल इस प्रकार करें कि आपका जो रखा होता धन है वो उस पर रिफ्लेक्ट हो। इससे आपका कभी भी कैश बॉक्स खाली नहीं होगा और धन में वृद्धि होती रहेगी। दक्षिण दिशा को वास्तु के हिसाब से काल की दिशा माना जाता है। काल यानी मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट। इस दिशा में शीशा लगाने से साफ मना गया गया है। यहाँ शीशा लगाने से व्यक्ति शीघ्र ही रोग ग्रसित हो सकता है या घर का कोई भी सदस्य आए दिन बीमारी रहेगा। यदि आपके घर में भी आए दिन कोई व्यक्ति बीमार होता है तो नोट कीजिए, कहीं आपका घर का आईना मिरर दक्षिण दिशा में तो नहीं है, तो जल्दी इसको चेंज कर लें। एक और उदाहरण बताता हूँ। दिल्ली में एक बार वास्तु विजिट के दौरान मैंने गुप्ता जी के घर दक्षिण दिशा की तरफ शीशा लगा देखा। मैंने वहाँ से उसे कारण बताते हुए उनको हटाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, अरे यार 3 दिन पहले तो ये सुंदर सा और भव्य मिरर उनके ससुराल वालों ने गिफ्ट किया है और उनकी पत्नी ये मिरर यहीं लगाना चाहती है। मैंने उन्हें मना किया लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए उन्होंने कहा कि आप वास्तु की कुछ दृष्टि समय बता दीजिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके पति को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। बाद में पता चला कि उनके पेट में वो पथरी और अल्सर जैसी समस्या हो गई है और ऑपरेशन कराने के पश्चात ही वो ठीक हुआ। फिर कहीं जाकर उन्होंने वापस से उन्होंने समझाया कि वो मिरर ही इस बीमारी के कारण है, तो उन्होंने वहाँ से मिरर हटाया। तो कहने का मतलब है, वास्तु के हिसाब से हम कभी कभी चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं लेकिन इनका परिणाम और नुकसान बड़ा होता है। इसीलिए अगर आपको कोई एक्सपर्ट कोई चीज़ की बात की सलाह दे रहा है तो उस बात को माने, हल्के फुल्के में ना लें। आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में सुबह उठते ही ये ख्याल आता है कि हमारा दिन अच्छा जाए, लेकिन हम में से कई लोग हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा देखने की आदत होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको हैरानी होगी, सुबह उठते ही चेहरा देखने की आदत सही नहीं मानी जाती, क्योंकि रात भर जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी का जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे नीचे के ऊपर से जा रहा होता है और जो फेस के अंतर्गत कुछ ऐसी ऊर्जाएँ होती हैं जो हम जैसे मिरर की तरफ देखेंगे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी तरफ आएगी। तो सुबह उठते ही चेहरा देखने की आदत ना डालें। सुबह उठकर ना धो के अगर पॉसिबल ना हो तो आप पहले सबसे पहले ठंडे पानी से अपना मुँह धोएं, उसके पश्चात ही अपना चेहरा देखें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आपके घर पड़ोसी के घर से थोड़ा छोटा है और पड़ोसी के घर की हाइट ज़्यादा है या ऊंची इमारतें के कारण उनकी ऊंची इमारतों की परछाई आपके घर पर बनती है तो ये भी वास्तु दोष है, जिससे आपके धन संपत्ति पे बुरा असर पड़ता है। इसके मुताबिक वास्तु दोष को नष्ट करने के लिए आप अपने घर की छत की तरफ एक ऐसा शीशा लगाएं जिससे उस ऊंची इमारत की पूरी छवि इस आईने में दिखाई दे। ऐसा करने से वो रिफ्लेक्ट करके वापस उस तरफ जाएगा और आपके घर का वास्तु दोष शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस प्रकार मिरर को लेकर, कांच आईने को लेकर आपके घर के अंदर कुछ वास्तु टिप्स। इन टिप्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आपके घर में भी यदि कोई वास्तु दोष है और आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न लिखें, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर हल समेत दिया जाए। धन्यवाद।